ओम शांति। कोई किसी के संबंध में किस कारण से आता है, क्या कारण हो सकता है? कार्मिक अकाउंट क्लियर करना, चाहे वो माँ के रूप में आए, चाहे बाप के रूप में आए, चाहे भाई के रूप में आए, चाहे पति के रूप में आए, चाहे पत्नी के रूप में आए, चाहे वो अजनबी के रूप में आए, चाहे दोस्त के रूप में आए, उसका कारण ही है कार्मिक अकाउंट। यदि जिसके साथ हमारा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, तब तक वो उसके संबंध संपर्क में नहीं आ सकता। और कार्मिक अकाउंट किसका है? आत्मा। ये बात बहुत पहले समझना जरूरी है, क्योंकि यही बात समझ में नहीं आई तब तक भी नहीं होगा। इस देह का कार्मिक अकाउंट नहीं है, देह तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, आत्मा का कार्मिक अकाउंट है। और आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के लिए ही एक दूसरे के संपर्क में आती है। वो किसी भी रिश्ते में आकर सुख दिया है तो सुख देगी, दुख दिया है तो दुख देगी। और कर्मों की गति को समझना बहुत जरूरी है, कर्मों की गति समझ में आ जाए तो इस बात को भी समझना कोई कठिन नहीं रहता कि कोई किसके संबंध में कैसे आता है। तो कर्मों की गति का वीडियो आप जरूर देख ले, क्योंकि वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। जैसे ही आपको कर्मों की गति समझ में आ जाएगी तो उसका आना भी संबंध में लगेगा। अब संबंध में पहली बार नहीं आया, वो पहले भी आया, क्योंकि हमने उसे सुख दिया हुआ है तभी तो वो सुख देने के लिए आया है, हमने उसे दुख दिया हुआ है तभी तो वो दुख देने के लिए आया है। पहल किसने की हो सकता है? इस बात को यह समझ, जैसे मुर्गी पहले की अंडा पहले, उस वीडियो को भी आप जरूर इसके अंदर देख ले, क्योंकि वीडियो में मुर्गी पहले की अंडा पहले, पहले किसने दिया? अब वो मेरा बेटा बना है, पहली बार बेटा बना है, या पहले भी कभी वो मुझे मिला? पहले वो मिला था तो तब भी ये क्वेश्चन उठेगा कि उससे पहले क्यों वो मुझे मिला था, पहली बार कौन किससे मिला था? वही दिन रात वाला क्वेश्चन आएगा, मुर्गी अंडे वाला क्वेश्चन आएगा, पेड़ बीज वाला क्वेश्चन आएगा। मतलब हमेशा, हाँ, क्यों? क्योंकि हर सर्कल में जो की वर्ड्स है हमारे वर्ल्ड ड्रामा के, हू बहू रिपीट हो रहा है, है नहीं? तो इससे हमें जो बात समझ में आती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है, हम एक ही टाइम में, ये बहुत गहराई से समझने बाद, हम एक ही टाइम में पिछला बराबर कर रहे हैं और नया बना रहे हैं। ये बात समझ में आई है? क्या समझ में आया इसमें? इसी एक ही एक्शन में और नया क्रिएट होता रहा, उसके साथ अगर हम उसको देंगे नहीं, वही मेरे को डर लग रहा था। नहीं, आपने वो न्यूटन वाला लॉ देखा था? याद आ रहा है? मैं उसको, ये हमारा है नहीं, इसके अंदर कौन सी बॉल ने फर्स्ट टाइम हिट किया और इधर वाली बॉल ने हिट करके पिछला अकाउंट बराबर किया और अगला अकाउंट क्रिएट कर दिया एक ही हिट से? क्वेश्चन क्लियर? बात समझ में आई है? सिंगल हिट पिछली हिट का रिजल्ट दे रही है उसको और नई क्रिएट कर दी एक ही हिट में। समझ में आ रहा है? ये बॉल ने हिट किया, उस बॉल गई, उसने आके हिट किया, पिछले उसने जो हिट किया था उसका बराबर किया और हिट करके पिछला बराबर करने के साथ अगला बना भी दिया आज हमने को हिट करने के लिए।
बहुत गुह्य ये बात है, बहुत गहराई से इस बात को समझना है, और ये आगे हमारी बहुत सारी बातों को सॉल्व करती है। आप अभी किसी को थप्पड़ मार के क्या कर रहे हो, पिछला क्लियर भी किया है, नया बना भी दिया है, मार सकता है, मारेगा, मार सकता है क्या, मारेगा, निश्चित है। ये तो ये बहुत 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 भाई बहनों को क्लियर नहीं, तो फिर क्लियर होगा ये हिसाब के तब कभी चलते ही रहेगा ऐसे, एंडलेस एंडलेस 5000 साल बाद फिर आप यही शब्द बोलेंगे, क्लियर होगा कि नहीं होगा, फिर 5000 साल बाद फिर आपको बोलना पड़ेगा क्लियर होगा कि नहीं होगा, और अनगिनत बार आप ये बात बोल चुके हो और अनगिनत बार आप बोलेंगे, क्योंकि ये बॉल, ये हिट, ये रुक नहीं सकता। 5000 साल बाद हमारे शरीर बड़ी काया भी सेम रहती है, आपकी बॉडी पर जितने भी रेत के पार्टिकल इस समय हैं, इस सेकंड हैं, सेम होंगे, सेम, एक रेत का छोटा सा पार्टिकल, एक एटम भी आपकी बॉडी पर जो किसी भी प्रकार से है, जरूरी या गैर जरूरी, वो सब एज रिपीट, चक्कर रिपीट, एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स और डीएनए बॉडी का रिपीट होता है, फैमिली मेंबर्स भी रिपीट होते हैं, एवरीथिंग। बड़ी थोड़ी प्लानिंग, यही यही समझना है, यही गहराई है, ये ज्ञान की गहराई है, इसी बात को समझना है कि वो जो मेरा अब संबंधी बना है वो ऐसे नहीं बन गया है, इतना ही संसार में गंध होगा, सब कुछ एज इट इज होगा। हाँ, क्योंकि एग्जीबिशन की ये की वर्ड्स को बहुत जरूरी समझना है, यानी की वर्ड्स को आपने बहुत जरूरी समझना है, यदि की वर्ड्स को नहीं समझेंगे तो नहीं हो सकेगी बात, है नहीं। हमें कीवर्ड्स बता, याद है आपको कौन से वाले कीवर्ड्स, कीवर्ड्स ही भूल गए तो कैसे होगी बात, बताया था आपने, हाँ कौन से कैरेक्टर से, सात तो सोल के तो याद है, हाँ जी सात के जो गुण, आत्मा के सातों गुण बताए थे वो याद है, मैंने आपको दिया था कीवर्ड्स जो सृष्टि चक्र के नीचे लिखे हुए हैं, सृष्टि चक्र के नीचे क्या लिखा था, ये आप देखो, ये लिखा हुआ था सृष्टि चक्र के नीचे, अद्भुत रहस्य, अब याद आ रहा है अद्भुत रहस्य कि नहीं याद आ रहा, क्या लिखा था अद्भुत रहस्य, आप यहाँ पहली बार नहीं आए, आप यहाँ पहली बार नहीं आए हैं, आप 5000 साल पहले भी ऐसे ही आए थे, अब आए हो और हर 5000 साल बाद आते रहेंगे। बहुत बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है, और ये भगवान ने कहा है, ये परम पिता परमात्मा के ज्ञान की की वर्ड्स है। देखेंगे, आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति, ऋग्वेद में भी आपको बताया था कि हूबहू रिपीट होता है, और न्यूटन के लॉ ने भी एक्सेप्ट किया कि हूबहू रिपीट होता है, जो एक्शन एक बार चल गया वो कभी रुक नहीं सकता है,
कभी रुक नहीं सकता है। ये जो बॉल चल रही है ये कभी नहीं रुक सकती। क्रिया की प्रतिक्रिया अनादि काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, उन स्थानों पर भी जहां इस समय हम नहीं है, जहां हम नहीं देख रहे हैं, वहां भी जो हो रहा है वही हर 5000 साल बाद हूबहू। यही बात जब मैं साइंटिस्ट के साथ कर रहा था, अपने डीआरडीओ के साइंटिस्ट का बात चल रही थी, तो वो इसी बात पर हैरान रह गया कि मैंने कहा कि आप जो कुछ चंद्रमा पर छोड़कर आए हो अगले काल को फिर चंद्रमा पर जाना है, तो इससे पहले उसको पृथ्वी पर आना है, तभी तो जाएगा। और उसको देख के, इसको सुन करके तो और हैरान हुआ कि जो सूर्य की रेस कुछ भी आया तो है ना धरती पर, ये वापिस सूर्य के पास जाना है ताकि अगले कल्प एक्यूरेट टाइम पर आ सके। सूर्य की रेस तो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, जो चीज वहां से कुछ भी वहां से आ रहा है ना वो उसके पास जाना है, रिफ्लेक्ट होके इधर फैल गई, इधर फैल गई, उधर फैल गई, कहीं भी चली गई, वो एक अलग बात है। परंतु चाहे वो कहीं भी घूमने के बाद, जैसे आत्मा ने 1,00,000 रुपया लिया था, आई थी 1,00,000 रुपए के साथ और यहां आकर अरबों का लेन देन किया, और उसके बाद जाने के टाइम उसके पास क्या था, फिर से 1,00,000 रुपया था। इसी प्रकार एवरी एलिमेंट विल बी इन द प्योरेस्ट फॉर्म व्हेन ड्रामा रीस्टार्ट्स। मतलब इस गहराई से इसको समझना, मतलब ब्रह्म कुमारी संस्था फिर से बनेगी, बिल्कुल बनेगी, फिर से ऐसा बाबा आप सेम क्वेश्चन फिर से पूछेंगे, बाबा आएंगे ज्ञान देंगे, बिल्कुल 5000 साल बाद एक्यूरेट। मतलब इसमें जरा भी मिस्टेक नहीं हो सकती। हम शिव बाबा क्यों कहते हैं, क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर जो ये विषय है, इस विषय से हमें क्लियर समझना है कि हम सब पहले अनगिनत बार एक दूसरे के संबंध में रहे हैं, अब रह रहे हैं, और अब हमारा रहना प्रूव कर रहा है कि इसी प्रकार से हम अगले संबंधों में भी आएंगे। अब यहां जो हमें समझने वाली बात है, संबंध कहते हैं सुख का संबंध, परंतु हम जिनको संबंधी कहते हैं वो हमें दुख दे रहे हैं, तो वो संबंध कैसे, क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट पिछला क्लियर हो रहा है, नया बन रहा है, हम आत्माएं एक्यूरेट एक्टर हैं, एक्यूरेट एक्टिंग कर रहे, एक्यूरेट कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, क्योंकि मिस्टेक हो जाए यही बात परमपिता परमात्मा जानते हैं, और उस जानने के कारण वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते। हम क्यों हो जाते डिस्टर्ब, ऐसा क्यों किया, अब क्यों क्या का क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्यों आपको ये बैक लगा, क्यों कोई फेल हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता, ये ड्रामा एक्यूरेट है। अब उस विषय पर बैठकर हम अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट। मैं अब मेहनत करके अपने करैक्टर को, अपनी अवस्था को बेस्ट बना के फिक्स कर सकता हूं कि 5000 साल बाद भी
ये होगा। तो हमारे संबंध अब हम अच्छे बना लें तो 5000 साल बाद भी हमारे संबंध क्या हो जाएंगे? अच्छे बन। यदि अभी हमने संबंधों को गलत रखा तो 5000 साल बाद भी उसी प्रकार से संबंध गलत ही रहेंगे, वो ठीक हो नहीं सकते। अब ही हम अपने संबंधों को क्या करें? अच्छा बनाए। कैसे? क्लियर हुआ मेरे ख्याल से? और यदि आपको जानने की इच्छा हो तो इसी नंबर पर क्या करेंगे? संपर्क करेंगे 9213106986 पर, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संपर्क करेंगे, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिए गए वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती है, आपका अधिकार है, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।